जिज्ञासु मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वेदांत दर्शन। वेद और वेदांत क्या है? दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसको देखते हैं तो मीमांसा दर्शन के विषय में हमने श्रवण किया, जानने का प्रयास किया। मीमांसा वेद सम्मत है, वेदों में जो निहित कर्मकांड है, वेदों में निहित जो देव और देवताओं की जो बातें हैं, उनका आह्वान है, हवन है, यज्ञ है और विभिन्न देवों की जो पूजा है, वो सब मीमांसा के अंदर बताए जाते हैं। लेकिन मीमांसा, जब हम मीमांसा कहते हैं तो मीमांसा के दो भाग हैं, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। तो वेदांत दर्शन, वेदांत क्या है? सीधी सी बात है, वेदों का अंत ही वेदांत है। तो वेदों का अंत किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ और वो अंत हमें क्या समझाता है, जब हम इस पर विचार करते हैं तो इसका अर्थ हम वेदांत पर विचार करते हैं। मीमांसा जब लिखी गई तो मीमांसा के अंदर 18 अध्याय लिखे गए, जिसमें कि 12 जो अध्याय थे मुख्य रूप से पूर्व मीमांसा के हुए, कुछ 14 मानते हैं, और 4 अध्यायों को उत्तर मीमांसा में रखा जाता है, लेकिन बाकी को पूर्व मीमांसा। जब हम कहते हैं कि मीमांसा दर्शन, इसका अर्थ है पूर्व मीमांसा, ना कि उत्तर मीमांसा, लेकिन वो भी मीमांसा का ही अंग है, इसलिए वो भी मीमांसा है, अतः इसे वेदांत कहा गया। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा गया। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वेदांत क्या है, इसे वेदांत कहा क्यों गया। सरल से सरल तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई चीज अंत में लिखी गई और वेदों का अंत क्या है, वेदों का जो विस्तार है, हम जो उसको जब हम पढ़ते हैं वेदों में, ब्राह्मण आरण्यक कर्मकांड की चर्चाएं भी वहां पर हैं, और फिर उपनिषद, उपनिषद ज्ञान कांड है उसका। तो वेदों के विस्तार में उपनिषद लिए गए और उपनिषदों को वेदों से ही विकसित किया गया, वेदों के मंत्रों से, वेदों की ऋचाओं से। वेदों की ऋचाओं में जो ऐसे मंत्र थे जो कि ईश्वर संबंधी थे और ईश्वर की सत्ता के बारे में बता रहे थे, उनको वेदांत ने लिया और उस पर वेदांत ने चर्चा किया उपनिषदों के अंदर। तो वेदों का विस्तार हुआ उपनिषद में। उपनिषद तक हम वेद ही मानते हैं, कुछ वेदांती विद्वानों के द्वारा उपनिषदों को ही मूल वेद भी मान लिया जाता है। तो उपनिषद मुख्य रूप से वेदांत दर्शन का जो आधार है वो उपनिषद है, और जब मीमांसा लिखी गई तो उसमें उत्तर मीमांसा है। अब ऐसा क्यों है कि हम इस विषय को वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत? वेदों का अंत अर्थात कि इसका अर्थ लोग ये भी लगा लेते हैं कि जो वेदों के आखिरी चैप्टर में, अध्याय में जो बातें लिखी गई होंगी, शायद उससे वेदांत बना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वेदांत नहीं कहा जाता। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं या फिर कि वेदों के आखिरी अध्यायों में जो बात कही होगी इसलिए उसको वेदांत कहा गया, परंतु ऐसा नहीं है। वेदांत इसलिए कहा गया क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा, आपने वेदों में बहुत कुछ अध्ययन किया, देवों की पूजा के बारे में, देवताओं का आवाहन, कर्म कांड, जीवन जीने के तरीके, कई तरह की बातें, स्नान के नियम, विधियां, भोजन करने का नियम, ये सारी चीजें, विवाह करने के नियम, वर्णाश्रम धर्म में इन सब की व्याख्या मिलती है। तो स्वस्थ होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आयुर्वेद का नॉलेज भी हमें होना चाहिए, आयुर्वेद भी वेदों से विकसित हुआ। ज्योतिष का ज्ञान भी महत्व रखता है जीवन जीने के लिए, लेकिन अंत में आपने आखिर करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है मोक्ष, आप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं। वेदों का आखिरी उद्देश्य क्या है, वो मोक्ष है।
आखिरी पुरुषार्थ जो है, जिसमें हम अर्थ धर्म काम मोक्ष इस प्रकार से कहते हैं, तो उसमें जो आखिरी जो लक्ष्य है हमारा वो मोक्ष है। तो मोक्ष तक आप कैसे पहुंच पाए, और उसके लिए वेदांत दर्शन कि भाई बहुत सारी बातें मीमांसा का, तो मीमांसा एक ऐसा दर्शन है जो पूर्णतः वेद प्रमाण है, जिसके प्रमाण सिर्फ वेद हैं। लेकिन जब वेदांत की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो प्रमाण उपनिषद है। उपनिषद जो कि वेदों का ही एक विस्तार है, वेदांत की ही चर्चा करता है। वेदांत का संपूर्ण आधार उपनिषद से लिए गए हैं, और उपनिषद वेद सम्मत हैं। वेदों की ऋचाओं को ही कलेक्शन किया गया, उनको संग्रह किया गया, उन ऋचाओं को जो वैसी बातें करती थी। कैसी बातें? आत्मा और परमात्मा की बातें, जो ईश्वर की बातें करती थी। तो ये ईश्वरवादी दर्शन है, इसका केंद्र ईश्वर है। यहां पर सारी चर्चा ईश्वर कह लीजिए, या एक सत्ता जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वेदों के अंदर, वेदांत के अंदर इस शब्द का बहुत महत्व है, ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इस विषय को समझने का प्रयास करें कि वेदांत क्या है, वेदांत दर्शन क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तार इस दर्शन का हुआ है। जितने भी षट दर्शन हम अध्ययन करते हैं, मीमांसा है, सांख्य है, वैशेषिक है, योग है, और वेदांत है, तो वेदांत का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा हुआ है। अब किस रूप में विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है, अभी भी प्रश्न उठता है। जैसे कि हमने मीमांसा के बारे में सुना कि मीमांसा में निहित जो कर्म कांडों की जो व्याख्या या उनका जो महत्व बताया गया, वो सब आम जनता के अंदर फैला और आम जनता ने उसे अपनाया। गांव गांव में हम देख ले आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं कि मीमांसा का प्रचार कितना हुआ होगा, किस प्रकार से हुआ होगा। यहां तक कि मीमांसा का प्रचार इतना था कि बौद्ध मंदिरों में भी, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, वहां पर भी कर्म कांड होते हैं। यद्यपि बुद्ध ने कभी अपने शिष्यों को या अपने भिक्षुओं को कर्मकांड की ओर प्रेरणा नहीं दी थी, लेकिन आज अगर आप बुद्ध मंदिरों में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश है या चाइना, जापान, वहां पर कहीं भी जहां पर बौद्ध धर्म के बड़े बड़े मठ हैं, वहां आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि उन मंदिरों में छोटे मोटे कर्मकांड आज हैं वहां पर। तो ये सब भट्ट, कुमारिल भट्ट के प्रचार और उनके, उनकी बुद्धिमता, उनकी तर्क शक्ति और उनके जिस ढंग से उन्होंने तथ्यों को रखा, उसके प्रचार का बहुत ही बड़ा प्रभाव था, और गांव गांव के अंदर कर्म कांड का प्रवेश था जनमानस में। तो व्यवहारिकता में तो मीमांसा आगे थी ही, लेकिन जब हम तर्क की बात करते हैं, एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति तो उस लेवल पर जाता नहीं है, तो वेदांत का अध्ययन वहां पर होता है। तो उस दृष्टिकोण से, बुद्धिजीविता के दृष्टिकोण से, बुद्धिमता के दृष्टिकोण से वेदांत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, और सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ, सबसे ज्यादा तर्क विदर्थ वेदांत के विषयों को लेकर किया गया। इसलिए वेदांत का विस्तार अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये कहां से प्रारंभ होता है, तो वादरायन ऋषि हुए, वादरायन वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। वेद व्यास जी के द्वारा ही वेदों के चार भाग भी किए गए थे, और वेद व्यास हुए। ये सत्य है कि वेद व्यास एक पदवी थी जिसमें भिन्न भिन्न वेद व्यास हुए, लेकिन ब्रह्म सूत्र की रचना वादरायन वेद व्यास के द्वारा हुई, जो कि वेदांत दर्शन और वेदांत से विकसित होने वाले जो उसकी शाखाएं थी, जैसे कि अद्वैत वेदांत है, विशिष्टा अद्वैत वेदांत है, फिर आपके द्वैत है, फिर द्वैत अद्वैत है, इस प्रकार से द्वैत अद्वैत, द्वैत वेदांत, फिर नित्य भेदाभेद है जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उसको रखा गया। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने, माध्वाचार्य जी के द्वारा द्वैत, द्वैत अद्वैत निम्बिकाचार्य जी के द्वारा रखा गया, तो इस प्रकार से वेदों का, वेदांत का विस्तार हुआ। अनेक विद्वान हुए, अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इसका विस्तार किया और इस पर चर्चा की, इसके, इसको चर्चा का अपना विषय बनाया, इस पर अपनी टिप्पणियां दी। तो इस कारण से द्वैत आया, द्वैताद्वैत आया, विशिष्टाद्वैत आया, अद्वैत आया, इस प्रकार से सारी इसकी शाखाएं, और अंत में नित्याभेद, नित्य भेदाभेद भी एक माना जाता है। तो ये वेदांत का विस्तार है।
वेदांत का विस्तार, लेकिन मुख्य रूप से वेदांत कहता क्या है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो ब्रह्म है। सारी बातें ब्रह्म को लेकर होती हैं, और ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से ब्रह्म, इसमें ब्रह्म को सत्य माना गया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत ही मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात कि जीव भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, जीव स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, बस अविद्या है और माया है। इसमें कई विषयों को परिभाषित किया गया, जैसे अविद्या, विद्या, माया, ज्ञान, अज्ञान, सूक्ष्म शरीर, पंचकोश, इनकी बातें आई। सूक्ष्म शरीर के अंदर 17 अवयवों को स्वीकार किया गया, 17 अवयव, जैसे कि उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 वायु, ये तो 15 हो गए तीनों मिलाकर, 5 वायु, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 15, और 16वां मन और 17वां बुद्धि। इन 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर की रचना हुई है। एक हमारा स्थूल शरीर है और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। जीव सूक्ष्म शरीर रूप है, जिसमें कि मन, बुद्धि, अहं, चित, अहंकार, अंतःकरण, 4 अंतःकरण की चर्चा मिलती है। तो ये सब वेदांत के अंदर इन सब की व्याख्या की गई, बताया गया कि कैसे जीव शरीर त्यागता है, कैसे जीव माया के वशीभूत, कर्म के संस्कारों के वशीभूत अपना दूसरा देह धारण करता है। तो इस प्रकार से जो वेदांत था वो व्यवहारिकता से ज्यादा चर्चा का विषय रहा। लोग जो आपस में चर्चा करते थे, वेदांत जो था वो कथा प्रवचन का विषय रहा, प्रवचनों के अंदर वेदांत हुआ करते थे, ज्यादातर वेदांत की बातें होती थी, लोगों को जीवन का मर्म समझाने का प्रयास किया जाता था। तो वेदांत का अर्थ ही यही है कि अंत में आप ये बात समझ लें, आप सब कुछ करें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, तरह तरह के कर्म कांड आप कर रहे हैं, लेकिन अंततः आपको ये बात समझना है कि ये शरीर नश्वर है, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन इसको, इसके भी एक पक्ष थे, क्या ये संसार मिथ्या है? तो व्यवहारिक स्तर पर संसार को मिथ्या नहीं स्वीकार किया गया, परमार्थिक स्तर पर किया गया, ना कि व्यवहारिक स्तर पर, इसका ध्यान रखिएगा। वेदांत में भी व्यवहारिक स्तर पर संसार को नहीं, परमार्थिक स्तर पर ब्रह्म ही सत्य है, और व्यवहारिक स्तर पर हम इस संसार में शरीर के अंदर हम आसक्त हैं तो शरीर ही हमारे लिए सत्य है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये अज्ञानतावश हुआ है, ये माया के कारण हुआ है। तो माया का विषय प्रतिपादित होता है वेदांत के माध्यम से कि ये माया क्या है। और इतना प्रभाव था इस दर्शन का, इस विचारधारा का, कि जो कुछ भी विकसित हुआ, आप अगर पढ़ेंगे आदि गुरु शंकराचार्य से, मान लीजिए कि एक बहुत प्रवाह निकला वेदांत का प्रवाह, उसके पहले वेदांत इतना चर्चा में नहीं था, सांख्य था, योग भी था, लेकिन वेदांत की इतनी चर्चा नहीं होती थी। तो मूलतः अगर हम बहुत ही सरल भाषा में अगर हम समझेंगे, समझना चाहते हैं कि वेदांत हमें क्या समझाना चाहता है, तो जैसे कि पूजा पाठ का एक विषय है, यह मीमांसा का विषय है कि लोग पूजा पाठ करें, देवताओं को प्रसन्न करें, देवताओं का आह्वान करें, और अपनी उनसे जो सुख का जो विषय है, अपने जीवन को सुखी करें, अपने जीवन को संतुष्ट करें, हवन यज्ञ करें, प्रकृति को संतुलित रखें, प्रकृति का भी सम्मान करें, प्रकृति में जो तत्व है वो भी देव स्वरूप है, माता पिता भी देव स्वरूप है। तो ये तो मीमांसा से हमें सीखने को मिला। लेकिन इससे हटकर जब कोई ये कहे कि भक्ति करो, तो ये जो भक्ति का जो विषय है, पूजा पाठ का जो विषय है वो मीमांसा का है, लेकिन जो भक्ति है ये वेदांत का विषय है, ये वेदांत का विषय है। अब इसको समझना है, कई बार समाज में लोग पूजा पाठ को ही भक्ति मानते हैं, पूजा पाठ को ही भक्ति मानते हैं, यहां जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आज दीपावली है तो लक्ष्मी जी की हमने पूजा की, किसी दिन हमने कोई अलग देवी देवता की पूजा की, मंगलवार को हनुमान जी की कर ली, तो लोग पूजा पाठ को भक्ति मानते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। ये अंतर क्या है, मीमांसा और वेदांत का जो अंतर है, हमने पिछले वीडियो में मीमांसा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज वेदांत।
तो मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन जब भी कहा जाए तो समझिए कि पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो वेदांत को विकसित करता है। तो पूजा पाठ और भक्ति में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो मूल जो अंतर है वेदांत और मीमांसा का हम समझ जाए। मीमांसा पूजा पाठ को रखता है, कर्म कांड को रखता है, लेकिन उसमें कोई इष्ट देव नहीं है। अगर है भी तो वो पूजा पाठ का अंग है, कर्म कांड का अंग है, उसके प्रति जीवन समर्पित करने की बात नहीं है। लेकिन जब वेदांत की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर अपना जीवन ब्रह्म को समर्पित कर दो। अगर कोई ये कहे कि मैं गुरुवार के दिन जो है कृष्ण जी की पूजा करता हूं, करती हूं, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा कर लेती हूं, और इस तरह से मैं देवी देवताओं रुद्र की पूजा, विष्णु की पूजा, ब्रह्मा और इंद्र आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा की जो बात होती है, और एक तरफ इष्ट कि मेरा जीवन कृष्ण को समर्पित है, मेरा जीवन श्री राम को समर्पित है, मैं राम के अलावा किसी देव को नहीं मानती, किसी भगवान को नहीं मानती, सब कुछ उनको समर्पित करती हूं, अपनी संपूर्ण भावनाओं को मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रही हूं या श्री राम को समर्पित कर रही हूं या उस एक ईश्वर को, ब्रह्म को समर्पित कर रही हूं, तो जब इस विचारधारा का प्रतिपादन हो तो समझिए कि वो वेदांत से प्रभावित है। इसलिए वेदांत का केंद्र ब्रह्म है। उस परम सत्ता को वेदांत ने ब्रह्म की उपमा दी है, ब्रह्म शब्द से संबोधित किया है। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और फिर उससे अद्वैत दर्शन विकसित हुआ, क्योंकि ब्रह्म ही अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ जो अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा रूप नहीं, कोई दूसरा वो नहीं, जो अद्वैत है, जो कभी दो नहीं हो सकता, सर्वदा एक है, वो एक भी नहीं हो सकता, अद्वैत उसे एक भी नहीं मानते। जब हम अद्वैत दर्शन पर चर्चा करेंगे तो इसका विस्तार करेंगे। तो वेदांत का मूल अंतर, जब आपने अपने जीवन को ईश्वर के प्रति एकाग्र कर दिया, संपूर्ण भावनाओं को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दिया, सब कुछ अपने मन बुद्धि सबको उसमें एकाग्र कर दिया, तो ये वेदांत में चला गया। और जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं कि हमें पूजा करना है नियम से, विधि से, कर्म कांड से, एक एक नियम का ध्यान रखना है, पूजा में स्नान करना है, ध्यान करना है, संध्या करनी है, ये सारी बातें जब आप इसमें लगे हुए हैं तो ये मीमांसा का विषय हो गया। लेकिन सब कुछ समर्पित कर दिया, जैसे मीराबाई ने सब कुछ समर्पित कर दिया श्री कृष्ण को, तो वो वेदांत का विषय हो गया। एक छोटा सा एक उदाहरण है इस दोनों के बीच, मीमांसा और वेदांत के बीच जो एक बंटवारा है, दोनों एक दूसरे से अंतर कैसे हैं, क्योंकि दोनों वेद सम्मत है, वेदों से निकले हैं, वेदों से विकसित होते हैं। तो इसलिए वेदांत दर्शन, इस विषय को समझना, इस विषय में जीव और ब्रह्म, ब्रह्म की सर्वव्यापकता का वर्णन है कि ब्रह्म कैसे सर्वव्यापक है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है कि ब्रह्म जो है और इसका जो आधार है, जो प्रमाण स्वरूप है, वो उपनिषद है। तो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम् जगत्, कि वो परम सत्ता संपूर्ण सर्व जगत सर्वव्यापी है, कण कण में समाई हुई है, उस परम सत्ता के बारे में कहा गया, वो कण कण में समाई है, वो सर्वव्यापी है, लेकिन वो भावातीत है। उस ब्रह्म को ही निराकार और भावातीत के रूप में स्वीकार किया गया। अब वो निरंकार है, भावातीत है, भावनाओं से परे है, शब्दातीत है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता, अगर आप निर्वाण अष्टकम को श्रवण करेंगे तो उस वेदांत का ही मत है, निर्वाण अष्टकम के द्वारा वेदांत का मत आदि गुरु शंकराचार्य ने रखा, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नि नाहम, कि ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार, न श्रुत्रे न जीवे न च घ्राण नेत्रे, ना मैं पंच इंद्रिया हूं, ना मैं कर्म इंद्रिया हूं, ब्रह्म का अस्तित्व इन सबसे अलग है, इन सबसे ऊपर है। अब उसकी व्याख्या मन बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, ये मन बुद्धि से परे की अवस्था है। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन जो है इसका आधार उपनिषद बनते हैं, ऐसी चर्चा उपनिषद करते हैं, और इन उपनिषदों में भी अगर कोई मुख्य उपनिषद जिस जो कि वेदांत का आधार बनता है, जिसका मूल आधार माना जाता है, यद्यपि उपनिषद 108 उपनिषदों की चर्चा है, उसमें मूल उपनिषद 11 कहे गए हैं। ईशावास्य उपनिषद जो है
ईशादि नौ उपनिषद और फिर छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये जो 11 उपनिषद है और उनमें भी नौ उपनिषद ईशादि नौ उपनिषद जो कि जिसके शंकर भाष्य है, तो शंकराचार्य के भाष्य दिए हुए हैं, ये वेदांत का आधार। और इन नौ उपनिषदों में भी, नौ उपनिषदों का भाष्य शंकराचार्य ने कैसे लिखा इसकी एक घटना है। इन नौ उपनिषदों में भी जो मांडुक्य उपनिषद है वो वेदांत का अकेला ही आधार है, अकेला ही आधार है। तो वेदांत दर्शन के अंदर मांडुक्य कारिका की रचना योगी गौड़पाद ने की थी, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु हुए। आदि गुरु शंकराचार्य ने उसी मांडुक्य कारिका को आधार बनाया और वो बातें जो मांडुक्य कारिका की, वो बातें जो अन्य उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद की वो तथ्य जो अन्य उपनिषद से बिल्कुल नजदीक थे, दूसरे उपनिषद जैसे कि कठोर उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है, प्रश्नो उपनिषद है, श्वेताश्त्रो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मुंडक, तो ये जितने भी उपनिषद हैं ये वो उपनिषद जो कि मांडुक्य उपनिषद से बिल्कुल मेल खाते थे, उन उपनिषदों का भाष्य रखा और उसे वेदांत सार के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ईशादि नौ उपनिषद जो कि शंकर भाष्य, शंकराचार्य के द्वारा जिनके भाष्य की रचना की गई, तो इस प्रकार से इसका आधार बना। लेकिन जो मूल जो तथ्य है वेदांत का वो ये कहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, सर्वव्यापी सत्ता है और ब्रह्म की सत्ता ही सब कुछ है, जीव भी ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि का जो विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है उसका, उसकी जो समझ है अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये वेदांत से निकलता है। तो ब्रह्म के स्वरूप को समझाना और जीव के स्वरूप को समझाना, लेकिन जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसकी एक विशेषता है। जीव की सत्ता को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता, सत्ता तो ब्रह्म की है, जीवो ब्रह्म है वनापरा, जीव भी ब्रह्म ही है, वो भी ब्रह्म से परे नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु ब्रह्म से परे नहीं है, यह ब्रह्म सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, जगत के चराचर जगत में यह ब्रह्म ही व्याप्त है, यह ब्रह्म ही व्याप्त है। और इस माया से, अविद्या से ऊपर उठकर जब जीव इस माया अविद्या से ऊपर उठता है, अर्थात जीव का निर्माण कैसे हुआ, तो यह भी बताया गया कि यह स्थूल शरीर भी जीव नहीं है, इसके अंदर वास करने वाला सूक्ष्म शरीर जीव है और उस सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से और मुख्य रूप से तीन कोश, पंच कोशों में तीन कोश जो जीव के कोश हैं, उन तीन कोशों से जीव का निर्माण हुआ है। 17 अवयवों में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 वायु और मन और बुद्धि, ये 17 अवयव हैं जो कि जीव के अवयव हैं और इससे जीव बना हुआ है। जैसे जैसे वो इन इंद्रियों से ऊपर उठता है, कर्म इंद्रियों से, फिर ज्ञान इंद्रियों से, फिर प्राण अपान उदान व्यान समान इन पंच वायुओं से ऊपर उठाता है अपने आप को, और फिर मन बुद्धि से जब वो ऊपर उठ जाता है तो यह जीव स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। लेकिन मन बुद्धि ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों का अस्तित्व ही क्यों है, तो वेदांत कहता है यह माया के कारण है, यह अविद्या के कारण है, यह माया के कारण, परिवर्तनशील माया और उसमें आसक्ति, फिर वहां पर माया की चर्चा, आसक्ति की चर्चा, अविद्या की चर्चा होती है, उन कारणों से जीव ने स्वयं ही बहुत कुछ बना रखा है। लेकिन सत्य यह है कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं, वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य बना अद्वैत का। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। तो एक इष्ट है यहां पर ब्रह्म, सारी बातें ब्रह्म को लक्ष्य करके कही जा रही हैं और वेदांत ही ब्रह्म ज्ञान को परिभाषित करता है, ब्रह्म को स्वरूप देता है और ब्रह्म ज्ञान को परिभाषित करता है। ब्रह्म ज्ञान को यहीं से परिभाषा मिलती है कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है, और इस प्रकार से फिर वेदांत का विस्तार अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस तथ्य से वेदांत का विस्तार शुरू होता है और उपनिषद लिखे गए।
आत्मा परमात्मा, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना एक बहुत बड़ा रहस्यमय विषय जो वेदांत का है, वो ये कहता है कि जानो मानो नहीं, ईश्वर जानने का विषय है और तुम उसे जान सकते हो। कहां जानोगे? कहीं बाहर नहीं, इन चरम चक्षुओं से नहीं, तुम अपने अंतर्घट के भीतर ही उसे जान सकते हो। तुम अपने भीतर अपनी आत्मा में अपने परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, उसका साक्षात्कार कर सकते हो, उसे जान सकते हो। तो वेदांत एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर चर्चा करता है कि आप ईश्वर को जान सकते हैं, उसे जाना जाता है। और यह जो विषय है, यही बाद में चलकर विवेक चूड़ामणि में श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तु माम शक्यसे द्रष्टुं मननैव स्वचक्षुषा, अर्जुन तो मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है, वो भी वेदांत का आधार है। अर्जुन तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योग ऐश्वर्यम, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन करेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, जहां पर ईश्वर केंद्र है, ब्रह्म केंद्र है और ब्रह्म को लक्ष्य कर सारी कार्य है, तो वेदांत समझाना चाहता है कि आप कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंत तो आपका लक्ष्य मोक्ष है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए वेदांत का कोई टकराव मीमांसा के साथ नहीं है, क्योंकि वो कर्म कांडों का खंडन नहीं करता। वेदांत नहीं कहता कि कर्म कांड नहीं करने चाहिए, हाँ आप करिए, लेकिन अंत तो मोक्ष है, इसलिए इसका नाम तो वेदांत है, वो अंत की बात कर रहा है। और उसके लिए आपको वानप्रस्थ और संन्यास में, वर्णाश्रम धर्म में हम अगर कर्म कांड और वेदांत और मीमांसा को बांटेंगे तो वेदांत चला जाता है वानप्रस्थ और संन्यास में, और जो कर्म कांड है वो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का विषय है। 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन वर्णाश्रम धर्म में जो मुख्य है, और 25 वर्षों तक फिर गृहस्थ का पालन, फिर 25 वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो वेदांत की चर्चा वानप्रस्थ और संन्यास में होती है और उसके पहले, इसलिए वेदांत के अधिकारी निश्चित किए गए। क्या कोई भी वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकता है? क्या कोई भी उस पर चिंतन मनन और प्रवचन कर सकता है? तो उसके अधिकारी निश्चित किए गए कि जिसने कर्म कांड करके, संसार में कर्म कांड करके समझ लिया, उसकी बुद्धि प्रखर हो गई, वो जान गया, उसको ज्ञान हो गया, समझ में आ गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य मात्र इन कर्म कांडों में लिप्त रहना नहीं है, मुझे तो उस अविनाशी ईश्वर तक पहुंचना है। ये जो जीव अनेक बंधनों में है, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मन बुद्धि के बंधनों में 17 अवयवों से बना ये जीव, ये सूक्ष्म शरीर जिस बंधन में है, उस बंधन से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। जिसको ये बात समझ में आ गई, जो भोग वृत्ति से मुक्त हो रहा है और समझ चुका है कि इस भोग वृत्ति में, इस भोग लिप्सा में रहना व्यर्थ है और इसमें कष्ट है, बार बार जन्म मरण का चक्कर है, पुनरपि जननम, तो वेदांत के अधिकारी निश्चित किए कि वेदांत का अध्ययन कौन कर सकता है, ईश्वर कौन बढ़ सकता है। तो वेदांत के अधिकारी ही वही है जिनके अंदर मोक्ष की कामना जागृत हो जाए, जो कि अपने मन में व्याप्त कामनाएं, मन में व्याप्त वासनाओं से मुक्ति चाहते हैं, जिनको लगता है कि अब इन सब चीजों से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए और यही जीवन का लक्ष्य है, वो वेदांत का अध्ययन करे, क्योंकि वेदांत ही वेदों का अंत है। इसलिए इसके अधिकारी निश्चित किए गए कि हर व्यक्ति इसके अध्ययन का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस तथ्य को गहराई से समझने की है, जानने की है कि वेदांत इस उद्देश्य से लिखे गए और वेदांत के अंदर इन सब बातों की चर्चा हुई तो हम इनकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इनकी शाखाओं का वर्णन जो विकसित हुए। तो सर्वप्रथम वेदांत के बाद हम अद्वैत वेदांत, यद्यपि वेदांत को समझने के लिए ही अद्वैत वेदांत की चर्चा हुई, फिर अद्वैत के बाद रामानुजाचार्य जी के द्वारा विशिष्ट अद्वैत, और फिर द्वैत, द्वैताद्वैत, इस प्रकार से जो है वेदांत की शाखाएं, इसका प्रसार हुआ, इसका विस्तार हुआ। तो एक एक विषय पर, एक एक दर्शन पर, जो इसके 6 दर्शन और हैं वेदांत के अंदर, द्वैत अद्वैत ये सारे जितने के हम नाम ले रहे हैं, तो इनका एक एक कर हम इन पर चर्चा करेंगे कि उसमें अद्वैत दर्शन विशेष रूप से क्या कहता है।
वेदांत को तो हमने समझने का प्रयास किया कि भक्ति और पूजा पाठ का जो विशेष अंतर है, एक है भक्ति और एक है पूजा पाठ। तो पूजा पाठ मीमांसा दर्शन है और भक्ति की भक्ति मतलब अपना जीवन, इसलिए पूजा पाठ भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब भक्ति की, भक्ति को परिभाषा देता है वेदांत, भक्ति को परिभाषित करता है वेदांत। भक्ति और पूजा पाठ में अंतर है। आपने पूजा पाठ किया वो एक अलग विषय है, और आपने भक्ति कर रहे हैं, आप एक भक्त हैं, जिसे मीराबाई एक भक्त थी, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त थे, तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को अपने इष्ट को समर्पित कर दिया है, उस एक सत्ता को, उस ब्रह्म रूपी सत्ता को समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने समर्पित हो गए हैं वो अपना जीवन। तो भक्ति करना और पूजा पाठ करने में अंतर है। इस ये जो अंतर है, भक्ति करना और पूजा पाठ करना, ये जो अंतर है, यही वेदांत और मीमांसा का अंतर है। पूर्व मीमांसा का और उत्तर मीमांसा का अंतर है ये। वेदांत और मीमांसा का भी अंतर है, क्योंकि उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं, और यही उपनिषद, उस परमात्मा की चर्चा, उस एक ब्रह्म एक शक्ति की चर्चा उपनिषदों के अंदर मिल रहा है। तो इस प्रकार से वेदांत का आधार बना, वेदांत की चर्चा हुई। अब इसमें अद्वैत द्वैत कैसे इसकी चर्चा हो रही है, किसे अद्वैत कहा जा रहा है, ये सब हम, क्योंकि वेदांत ऐसा विषय नहीं है कि मात्र 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर इसकी संपूर्ण व्याख्या हो जाए, तो इसको हम समझेंगे अन्य अद्वैत के चर्चा में और द्वैत के चर्चा में, किस प्रकार से द्वैत अद्वैत की चर्चा इसमें आई और इसका विस्तार हुआ। तो वेदांत का मुख्य आधार हमने आज बताया आपको, और अगले वीडियो से अद्वैत और फिर द्वैत वेदांत की चर्चा की जाएगी कि इन दर्शनों का प्रतिपादन कैसे हुआ, ये समाज के बीच में किस प्रकार से आए, क्या घटनाएं घटी, इनके पीछे क्या कथाएं थी और इनका मर्म क्या था। उद्देश्य है ब्रह्म को समझना, ईश्वर को समझना, भक्ति को समझना, अंतर्मुखी होने को विज्ञान को समझना। तो अंतर्मुखी होने का विज्ञान वेदांत दर्शन हमारे समक्ष रखता है कि अंतर्मुखी हो जाओ। मांडुक्य उपनिषद इसी विषय की चर्चा करता है और अंतर्मुखी होने का हमें बताता है कि कैसे अंतर्मुखी हो और ब्रह्म तक व्यक्ति पहुंच सके, जिसे ब्रह्म कहा जाता है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है। अद्वैत वेदांत में मुख्य रूप से उसके स्वरूप की चर्चा होती है। तो आइए हम उस पर चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।